तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें, फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं और चैट में डन टाइप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने फाइल इंपोर्ट कर ली है, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँ। ओके, तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि आपने आर स्टूडियो ओपन कर लिया। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट डन कर दिया हुआ, तो अब क्लास की तरफ चलते हैं। आप में से कुछ पार्टिसिपेंट का मैसेज है कि नो वॉइस। मोहम्मद काशिफ उबैद साहब, सैयद एयाज जावेद साहब और जावेद साकिब साहब, सर आपका मैसेज है नो वॉइस, काइंडली कन्फर्म कीजिएगा कि वॉइस क्लियर है अब आपके आपकी तरफ। ओके सर। अच्छा, कल हमने यहाँ तक ये स्टेप परफॉर्म कर लिए थे, आपके पास भी ये फाइल शो हो रही होगी। ये कोड हमने कल राइट किया था, ये कोड मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, बल्कि ये आपके पास ऑलरेडी सेव होगा। काइंडली चेक कर लें कि आपके पास ये वाला कोड शो हो रहा है, अदरवाइज़ ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप इसको रन एक दफ़ा रन कर लें कॉपी, और ये मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। आप अगर आपके पास नहीं है सेव तो आप इसको कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद इसको आप आर में एक दफ़ा रन कर लें। अब देखिएगा, मैं इन कोड को रन करता हूँ वन बाय वन दोबारा, तो ये मुझे कुछ एरर शो करेंगे। अब ये कह रहे कुड नॉट फाइंड फंक्शन क्यू प्लाट। अब क्यू प्लाट जो फंक्शन है ये ggplot2 पैकेज के अंदर है, इसका मतलब है मैंने ggplot2 पैकेज को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लाइब्रेरी ggplot2, लाइब्रेरी ggplot2, और इसको रन करता हूँ। अब दोबारा ये मैं कोड रन करता हूँ, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट फाइकस नॉट फाउंड, ये कह रहा है आपकी फाइल ही नहीं है, मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 में फाइकस वाली फाइल ही नहीं है। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट अब रन करते हैं इसको। अब देखें कोड रन हो गया, नेक्स्ट भी रन हो गया, नेक्स्ट कोड भी रन हो गया, और बार प्लॉट भी हमारे पास शो हो गया। अब फर्ज करते हैं कि आमिर साहब के सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आसिम शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एरर है तो आप इस इट्स मीन कि आपके पास डाटा का इशू है, ठीक है? यानी आप चेक करें, एरर को रीड करें। मुझे ये कह रहा था कुड नॉट फाइंड फंक्शन, सॉरी ऑब्जेक्ट फाइकस नॉट फाउंड, इसका ये कह रहा है कि मेरे पास आपकी फाइकस वाली फाइल नहीं है, मुझे आर स्टूडियो में फाइकस वाली फाइल नहीं मिली। अगर ऑब्जेक्ट का एरर आ रहा है तो इट्स मीन आपके डाटा में इशू है, या आपने फाइल इंपोर्ट नहीं की हुई। अगर फाइल इंपोर्ट की हुई है तो जिस कॉलम, जिस वेरिएबल का वो नाम ले रहा है
आपने वो वेरिएबल जाके चेक करना है क्या वहाँ पे वो मौजूद है। चेक कर लें, अगर इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। माइक मैं आप लोगों की ओपन कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ, आप लोग जो हैं माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली एक दफ़ा कोड रन करके चेक कर लें कि आपके पास ये वर्क कर रहे हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कोड रन करके एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि आपके पास ये कोड वर्क कर रहे हैं, कोई एरर तो नहीं शो हो रहा आपके पास, क्योंकि कल आपने ये कोड सक्सेसफुली रन कर लिए थे और आज आप देखें कि आपके पास कोई एरर शो हो रहा है या सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। और आप में से एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कल हमारे पास पार्टिसिपेंट थे डॉक्टर आमिर साहब और साथ उनके सुपरवाइज़र साहब थे। आज इनके सुपरवाइज़र साहब कह रहे हैं कि ओके सर आपका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ए सर लिखा हुआ आ रहा है, तो काइंडली अपना नाम भी बता दीजिएगा और माइक भी ओपन कीजिएगा। आपका पास मैसेज आ रहा है कोड इज़ नॉट रनिंग। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम, ये सर डॉक्टर हिदायत जी मैडम काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर। ओके सर ये यहाँ पे पेटल लेंथ का इश्यू क्रिएट कर रहा है, ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। हेलो, जी मैडम एक मैं कोड चेक कर रहा हूँ। ये ज्योम के बाद इक्वल है, आपने डैश लगाया है। जीओम के बाद इक्वल ही लगा हुआ है इनका। हाँ सर जी जी आपने ना प्लीज। फाइकस के बाद, फाइकस से पहले है डाटा इक्वल फाइकस, डेटा डेटा इक्वल इक्वल फाइकस। अब इसको रन करें। ओके अब सर, रन थैंक हो। ओके यू सर। अच्छा आज फर्ज करते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि हिस्टोग्राम क्रिएट करें। डॉक्टर साहब, हिस्टोग्राम से पहले एक चीज मुझे बताइए कि जी सर इसके अंदर अगर हमें फर्दर अगर एलिमेंट्स ऐड करने हैं, जैसे स्कैटर प्लॉट है तो स्कैटर प्लॉट के अंदर अगर हम ट्रेंड लाइन ऐड करना चाहते हैं तो सर ट्रेंड लाइन उसकी कैसे तरफ होगी। सारी चीज़ें आप करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जी ठीक क्योंकि है। ये देखिए अभी हम बेसिक कोड रन कर रहे हैं ना, देख के आप राइट कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। आप थोड़ा सा बेसिक पे कमांड कर लें, फिर सारी चीज़ें आप परफॉर्म करेंगे खुद ही। ये ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको कोड रीड करना सिखा रहा हूँ, राइट करना सिखा रहा हूँ। ये जो ग्राफ बन रहे हैं ना, ये सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है, ये हमारी डिमांड के मुताबिक नहीं बन रहे ग्राफ। क्लियर है? ठीक ठीक ओके है। अगर हमारे सुपरवाइजर कहते हैं कि आप हिस्टोग्राम क्रिएट करके लाएं, आमिर साहब इस कोड को कॉपी करते हैं, ये कंप्लीट कोड है हमारे पास। अभी हम एरर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एरर कौन कौन से पॉसिबल हमारे पास शो हो सकते हैं। अब जस्ट यहाँ पे इन्होंने हिस्टोग्राम लाइन को रिप्लेस करना है हिस्टोग्राम के साथ, लाइन सॉरी हिस्टोग्राम। और इसको रन करें। अब देखिए जब हम हिस्टोग्राम को रन करेंगे तो वो हमें अगेन एरर दे रहा है। वो कह रहा है इसके लिए भी आपको एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, या आप एक्स एक्सिस यूज़ करें या आप इसके साथ वाई एक्सिस यूज़ करें, दोनों में से एक एक्सिस आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ना एक्स एक्सिस को रिमूव कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ।
ये इसने मुझे हिस्टोग्राम क्रिएट करके दे दी। अब अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करें, डेंसिटी प्लॉट, डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमने अगेन ये कोड कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे आपने बार को रिप्लेस करना है डेंसिटी के साथ। सॉरी, ये मैंने बार ग्राफ वाला कॉपी कर लिया इसमें, क्योंकि एक ही एक्सिस है, हमने वो कोड कॉपी करना है जिसमें दो एक्सिस हों, ताकि ये भी देखा जाए कि दो एक्सिस के साथ वो आपको क्या एरर शो कर रहा है, क्या सुजेशन आपको दे रहा है। डेंसिटी, अब अगेन उसने मुझे एरर दे दिया। एरर में ना आपने जो चीज़ रीड करनी है वो कास्ट करनी है, कास्ट बाय एरर इन कंप्यूट जियोम, जियोम डेंसिटी रिक्वायर्स द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। यानी वो कह रहा है कि जहाँ पे मुझे वाई रिक्वायर्ड है, हम एक्स एक्सिस को रिमूव कर देते हैं, आप एक्स को रिमूव करें, वाई को रिमूव करें, जो बचेगा वो वाई एक्सिस ही होगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिए मेरे पास इस तरह का प्लॉट क्रिएट हो गया, ये है डेंसिटी प्लॉट, कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप और इसको शेयर कर दूँ। दोबारा आर पे हैं, अगर आप इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं तो आप कलर के बाद यहाँ पे एक फंक्शन है फिल, फिल इक्वल यहाँ पे आप लगाएं स्पीशीज और इसको रन करें। ये देखिए हमारे पास जो है वो डेंसिटी प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें, इसको ग्रुप में शेयर करें। अब आप सबके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि जितने भी प्लॉट्स हैं ना, सर जी सर, सर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम डेंसिटी के बाद फिल स्पीशीज लिख लें, फिर कलर स्पीशीज लिख लें, या पहले कलर स्पीशीज लिख लें फिर फिल स्पीशीज? आप अगर कलर को रिमूव कर देते हैं ना, जी सर, ये देखें आप इसको रन करें, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ क्या हुआ है कि तमाम की लाइन जो है वो ब्लैक हो गई, आउटर जी सर, बाउंड्री, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ठीक लिख लेते हैं बाद में कलर इक्वल स्पीशीज, ये देखें फिर भी अप्लाई हो गया, यहाँ पे ठीक है कोई सर। फर्क नहीं पड़ेगा। ये सर आपसे एक क्वेश्चन है सर। जी सर, सर आप जितने ये लाइन ग्राफ बनाए और पॉइंट ग्राफ बनाए ना, तो इसमें सर आपने दोनों एक्सिस किए ना, ये बार और डेंसिटी ग्राफ में आपने वन एक्सिस क्यों नहीं है सर? सर जो है ना, हमारे पास पॉइंट प्लॉट, वो दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। अभी जो तो डेंसिटी बार प्लॉट है ना ग्राफ में, सर बार ग्राफ पे भी तो हम दो चीजों के बीच में कोरिलेशन शो कर सर, सकते हैं। ये जो है ना, वो दो दो के दरमियान ही है वो। अभी हम उस पर वर्क करेंगे, अभी हमने वो प्लॉट क्रिएट नहीं किया जो आप डिमांड कर रहे हैं। कल भी ये क्वेश्चन आया था, तो इंशाल्लाह वो भी जब आप प्लॉट वो क्रिएट करेंगे तो फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपने सिर्फ फोकस करना है, हम कोड लिखना सीख रहे हैं, अभी हम प्लॉट बनाना नहीं सीख रहे। क्लियर है सर? ओके जो सर, जिस तरह की आपके डिमांड है आप उस तरह का प्लॉट इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। ये कल भी क्वेश्चन आया था काफ़ी, इस पर हमने बल्कि टाइम भी हुआ था, यूज़ हुआ था इस पर।
आपने सिर्फ फोकस करना है कोडिंग पे। क्या आप कोडिंग के बारे में आप क्वेश्चन पूछें कि सर ये काम है, जैसे अभी सर का क्वेश्चन था कि इस कोड को मैं आगे कर लूँ या पीछे कर लूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। अभी हम इस चीज़ पे हैं, जब हम ग्राफ की तरफ आएंगे फिर उस वक्त सारे आप क्वेश्चन पूछिएगा ग्राफ्स के मुतल्लिक। अभी जस्ट हम कोड को रीड राइट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप ऐसा करेंगे, आप तमाम तरह के प्लॉट ड्रा करके लाएं, वो किस तरह के बनते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है? अब हर प्लॉट की ना अपनी एक रिक्वायरमेंट है। जिस तरह अभी हमने कुछ प्लॉट क्रिएट किए, उसके लिए हमें दोनों एक्सिस रिक्वायर्ड हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कुछ प्लॉट ऐसे होंगे जिसके लिए आपको जस्ट ऑनली वन एक्सिस रिक्वायर्ड होगा, कुछ प्लॉट ऐसे होंगे जिसके लिए आपको थ्री एक्सिस रिक्वायर्ड होंगे, 3D प्लॉट होगा। तो हर प्लॉट की जो है ना वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अभी मैं आपको कुछ लिस्ट शो करूंगा प्लॉट्स की जो आप ड्रा करेंगे। यानी अगर आप यहाँ पे टाइप करें सिंपल जीओम, सॉरी जीओम, जैसे आप जीओम टाइप करते हैं ना, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है। पहला प्लॉट है एब लाइन। अब देखें एब लाइन के आगे डिटेल भी दी हुई है और नीचे पर्पस भी लिखा हुआ है कि ये प्लॉट आप क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। एरिया, एरिया की भी डिटेल दी हुई है साथ, बार ग्राफ, बार ग्राफ की भी डिटेल दी हुई है, बेन 2D। अभी आपने उस डिटेल की तरफ नहीं जाना, अभी जस्ट आपने ये एब लाइन है, एब लाइन। अब आपने क्या करना है, इसमें से जियोम अंडरस्कोर को छोड़ के ये इतना जो हिस्सा है ना, ये वाला ये हिस्सा, ये आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे जो कंप्लीट कोड है हमारे पास। आपने हाफ कोड को पिक नहीं करना, एक्स एक्सिस वाला, हमने दोनों एक्सिस वाला कोड पिक करना है। जैसे लाइन प्लॉट है, इसमें दोनों एक्सिस हैं, कॉपी पेस्ट। अब एब लाइन है, ये हमने टेस्ट करना है कि ये प्लॉट किस तरह का शो होता है, पेस्ट करें इसको और रन करें। ये देखिए मेरे पास एक लाइन शो होगी। सेकंड, दोबारा मैं जीओम टाइप करता हूँ, एरिया सेलेक्ट किया। अब जस्ट आपने यहाँ से एरिया कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट किया और इसको रन किया। अगर आप इसको फिल करेंगे तो ये डिफरेंट कलर शो कर देगा आपको। यहाँ पे अगेन जियोम बार कॉपी करना है, इसको एरिया पे आना है, एरिया को आपने रिप्लेस करना है। ये बात, अब ये देखें ये आपको एरर दे रहा है, और ये आप एरर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने इस इशू को किस तरह रिजॉल्व करना। इसी तरह अब अगेन जियो, अब आ गया आपके पास बेन 2D, इसको कॉपी करें, बेन 2D को कॉपी सर ये करने के बाद, कभी कभी जी सर पेस्ट कीजिए, टाइप नहीं कर सकते इसको, सपोज एरिया को या ब्लाइंड को या बार को क्या कर सकते हैं? टाइप नहीं कर सकते, यानी हम ब्लाइंड को कॉपी क्यों कर रहे हैं उस कोड में पेस्ट करने के लिए, वहां पे डायरेक्टली ये सेमी कोलन में हम इसको टाइप करें। आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
काफ़ी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ का टाइपिंग में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बाज़ का तुम कैपिटल बी लिख दें या स्मॉल बी लिख दें, कैपिटल ए लिख दें, ठीक है, तो इस तरह जो एरर के चांस जो है ना वो कम से कम होंगे। अब आपके पास एक लिस्ट होगी है जियोम की, ये देखिए, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें से बहुत सारे प्लॉट आपके पास फाइकस वाले डाटा के ऊपर बन जाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्लॉट आपके पास फाइकस वाले डाटा के ऊपर नहीं बनेंगे, यानी तकरीबन 50% आपसे जो है ना प्लॉट वो बन जाएंगे और 50% जो है वो फाइकस वाले डाटा के ऊपर नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ और डाटा सेट रिक्वायर्ड है। जैसे अगर आप मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो भी जीजी प्लॉट टू को क्रिएट होता है, स्टडी एरिया मैप, पाकिस्तान का मैप बनाना चाह रहे हैं, चाइना का मैप बनाना चाह रहे हैं, वो भी आप जीजी प्लॉट टू को यूज़ करके क्रिएट करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप फाइकस वाला डाटा नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे तो कोई और डाटा यूज़ होगा ना, शेप फाइल का डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है। आप में से अगर कोई पार्टिसिपेंट जियोग्राफी से है तो उनको आइडिया होगा कि हमें शेप फाइल रिक्वायर्ड होती है मैप क्रिएट करने के लिए। तो जो प्लॉट आपसे बनते हैं, जो प्लॉट आपको एरर दे रहे हैं, आपने एरर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जो जो एरर अभी तक आपने सीखे हैं उनमें से अगर कोई एरर है तो आपने उसको रिजॉल्व करना है। उनके अलावा अगर कोई और एरर आपके पास आ जाता है, मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी होम, कर्व कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे टाइप कर लें तो भी ओके है। हाँ मेरे पास ये इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो गई है, मुझे सेट करना पड़ेगा। अब ये देखिए मुझे एरर दे रहा है, आपको एक्स एंड और वाई एंड भी प्रोवाइड करना, फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक एक्स एंड एंड वाई एंड। अब ये एरर हमने रीड नहीं किया अभी तक, इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, इसकी अभी आपको समझ नहीं आएगी, आप इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। जो एरर आपको मैंने अभी 3-4 एरर समझाए हैं उनमें से कोई एरर आ रहा है, इस प्लॉट को इग्नोर करके इससे अगले प्लॉट पर चले जाएँ, ठीक है। जो प्लॉट आपसे बनते हैं तकरीबन आपसे 20-25 टाइप के प्लॉट जो हैं वो क्रिएट होंगे, वो आपने क्रिएट करके ग्रुप में शेयर करने। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें और स्टार्ट कर दें प्लॉट क्रिएट करना, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर सर, क्लियर ओके, तो ये स्टार्ट करें अपना टास्क, आपके पास तकरीबन 30 मिनट हैं, नेक्स्ट जो है वो अब आपने टास्क कंप्लीट करना है। सर। अच्छा सर, ये मैं डिसकनेक्ट हो गया था, तो ये सर जियोम से रिलेटेड जितने भी हैं प्लॉट जी, वही करने जब हैं आप जियोम टाइप करेंगे तो आपके जी? पास राइट एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जियोम के जितने भी ग्राफ्स हैं, सर। आपने वन बाय वन करके सारे अप्लाई करते जाना है। जो प्लॉट आपसे क्रिएट हो जाए ओके, जो एरर दे आपने उस एरर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। मैंने आपको कुछ अभी 3-4 टाइप के एरर सिखाए हैं, एक्स और वाई वाला या ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, अगर इस तरह का कोई एरर आ रहा है ना आपने उसको रिजॉल्व करना है। अगर कोई ऐसा एरर आ जाता है जैसे अभी ये हमारे पास एरर आया था एक्स एंड एंड वाई एंड, ये अभी आपने नहीं राइट पढ़ा, तो आपने इसको इग्नोर कर देना और अगले प्लॉट पर चले जाना। जी, राइट सर, थैंक यू। ओके, सो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्टार्ट करें और ग्रुप बना के सॉरी ग्राफ बना के जो है वो ग्रुप में शेयर करें। सर आप ट्राई करें।
आपने ना जियोम, हाँ जियोम के बाद आपने हिस्टोग्राम की स्पेलिंग चेक करें, ठीक लिखे हुए हैं। ये कह रहा है सिलेक्शन क्यू प्लॉट, ये काइंडली आपका फुल एरर नहीं शो हो रहा मुझे, ये ऊपर कोई बार आई हुई है। तो यही फुल है सर। हाँ यहाँ पे ना आपने दो एक्सेस प्रोवाइड किए हैं, मैं इसको आप पेटल लेंथ को यहाँ से रिमूव करें। तो सर ये एरर जो नहीं नहीं आप दे कौन रहा सा, है आप कौन कोड कौन सा रन कर रहे हैं, 46। दोबारा रन करें इसको। आप ऐसा करें, आप जो लास्ट जो लिखा हुआ है नीचे, ये दो कोड रिमूव करें, ये वाले अब रन करें इसको। हाँ इसमें से आपने एक्स एक्सिस रिमूव करें, ऊपर भी जो आपने दो लिखे हैं मैंने वो भी रिमूव करें इस कोड के ऊपर लाइन नंबर, हाँ ये वाले अब रन करें इसको। अभी ये यही कह रहे हैं। आप इसमें से ये पेटल लेंथ को रिमूव करें, पेटल लेंथ को। आप ऐसा करें कि जीरो टाइप करें, जीरो ये लाल नीचे नीचे वाले कोड में स्क्रीन नंबर 2 में जहाँ पे, हाँ और एंटर का बटन प्रेस करें। अब वो कोड रन करें लाइन नंबर 41। ओके आपका, आपके पास क्रिएट हो गया प्लॉट। सर ये क्या प्रॉब्लम था? नॉर्मली तो ये हमें एक्स वाई एस्थेटिक देता है। एक्चुअली वो आपके ना ऊपर कुछ कोड लिखे हुए थे जो उसके साथ रन हो रहे थे, उनको हमने रिमूव भी कर दिया, लेकिन ये भी आप जो रिमूव किए थे ना हमने जी सर। वो वाले, उनकी वजह से कर रहा था जी। अभी सही, बिल्कुल सही वही बात है। थैंक यू सर। अच्छा होप कि अब आप लोगों ने ये प्रैक्टिस कर ली होगी, और आमिर साहब आपने स्क्रीन शेयर की थी अभी, ये आपका मैसेज जी मैंने जी देखा। सर। ओके सर, अच्छा आज हमारे पास टाइम बच गया तो कुछ पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन भी हो जाए, और क्योंकि आज 3 4 दिन बल्कि ज़्यादा हो गए हैं कि हम जो है वो अननोन पर्सन की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। किसी जिस क्लास में हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचेगा वो कुछ पार्टिसिपेंट का साथ इंट्रोडक्शन भी और ट्रेनिंग के हवाले से उनके कमेंट्स या रिव्यूज़ जो होंगे वो भी साथ जो है वो डिस्कस होंगे। तो आज मैं जावेद साकिब साहब को इनवाइट करना चाहूँगा। जावेद साकिब साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। दो क्वेश्चंस होंगे आपसे, एक तो आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा आर के हवाले से। वैसे तो डाटा एनालिसिस आप करते होंगे मुख्तलिफ अस्सलाम वालेकुम टूल्स के जी। ऊपर, तो दो क्वेश्चन आपके ये होंगे, एक तो आपने इंट्रोडक्शन करवाना है अपना, और दूसरा जो है वो ट्रेनिंग के हवाले से जो आपके रिव्यूज़ हैं या कमेंट्स हैं या सजेशन हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, मेरा नाम जावेद इकबाल, मेरा नाम है। जी सर, मैं
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हूँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। और अभी मैं डेपुटेशन पे हूँ बीजिंग जियोतांग यूनिवर्सिटी चाइना से, मैं एमएससी कर रहा हूँ अच्छा एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, जी, एमएससी कर रहा हूँ मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बीजिंग से। जबरदस्त। तो तो एमएससी डाटा भी, एनालिसिस एमएससी पे भी ये जो है वो चाइना में होता है स्टिपेंड वगैरह, जी, ये थीसिस हेल्प है, वगैरह होता है, मतलब हमारा 1 साल का। वैसे तो चाइना में एमएससी सेल्फ है, में ठीक 2 साल का रिसर्च वर्क होता है, है, लेकिन हमारा इसमें 1 साल का है, मतलब वो प्रोफेशनल मास्टर है तो हमारा इसमें 1 साल का है। लेकिन ठीक उसमें है, काफ़ी डिटेल जो है वो डाटा एनालिसिस वगैरह, कोडिंग वगैरह, काफ़ी सी प्लस के इस तरह की काफ़ी कोडिंग वगैरह हमें करनी पड़ती है उसमें। ठीक। कोई नोवेलिटी हमें जो है वो दिखानी हाँ पड़ती है फिर तो तभी आपके लिए इजी उसमें होगा, और इतना मुश्किल नहीं होगा। जी। तो उसमें ये है कि ये बड़ा मेरे लिए, मैंने पहले भी सर से रब्ता किया था, तब सर ने जब वो जितने ज़्यादा चीज़ें बताई थी कि इतनी चीज़ें हम करेंगे, तो वो मुझे यकीन नहीं आया था इतनी चीज़ें जो है वो कैसे होती ठीक हैं 15 दिनों के है, अंदर। तो अभी सही, फिर मैंने किया, मैंने कहा चलिए जितनी लर्निंग हो जाएगी, लेकिन काफ़ी अच्छा है खासतौर पे जो स्टेप बाय स्टेप चल के दिखाने का। और ये चीज़ जो है ना वो, मैं एस पे काम करता हूँ, लेकिन उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है, उस भी आप चल सकते हैं। बिल्कुल तो उससे आप इसमें हट जितना नहीं लग रहा सकते है कि ना, इसमें आप जो है वो अपनी कस्टमाइज चीजें इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते पर हैं। जो आपके माइंड में आता है ना, आप ग्राफ बिल्कुल को पकड़ के उल्टा कर दें, सीधा कर दें, जो आपके माइंड में आता है वो आप इस पे अप्लाई कर सकते बिल्कुल, इसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा चीज़ यही है कि आप अपनी कस्टमाइज हैं। चीज़ें जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और एक बिल्कुल, सिंगल कमांड आप दे के जो है वो अपने डाटे को बाद का सबसे ज्यादा मसला हमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम प्लॉट ड्रा कर लेते हैं, तो उसको जब हम वर्ड में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये आ जाता है कि उनकी सेटिंग वगैरह का। तो इसमें सेटिंग भी इसने ऑलरेडी जो है वो जो हाँ की हुई है वो इतने सेटिंग भी बेहतरीन है, तरीके से बिल्कुल कि यहाँ उसमें पे मेहनत ना, नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल मैं आपको आगे चल के एक मेथड बताऊंगा, जब आप फॉर्मेटिंग पे आएंगे ना, कि हमने प्लॉट को सेव कैसे करना है। एक तो आप जी। इसको HD फॉर्म में सेव करेंगे, आप उसको जितना मर्जी जूम आउट कर लेना या जूम इन कर लें, उसके पिक्सल नहीं फटेंगे। हाँ ये मोस्टली ये एक्सेल के अंदर खासतौर पे जो ग्राफ बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा मसला यही आता है कि जब हम उनको जूम करते हैं तो करते उसके हैं पिक्सल फट जाते हैं। ये, उनके जो है ना वो पिक्सल खराब हो जाते हैं जब उसके हम बाद उनको एडजस्ट दूसरा, करते जब हैं। हम इसको वर्ड पे कॉपी करते हैं ना, तो वो वर्ड के पेज से बाहर चला जाता है। हम कभी इसको कान से पकड़ के छोटा कर रहे होते हैं, कभी बिल्कुल, उसको बड़ा कर वो रहे होते हैं, कभी क्रॉप कर रहे हैं, कभी कम ज्यादा कर बिल्कुल। रहे तो हैं, कभी उनकी इसमें आप लेंथ वेट रेशियो खराब हो एट जाती द है। एक्यूरेट साइज के ऊपर आप प्लाट जनरेट करेंगे। आप जितना इसको साइज देंगे ना, इस साइज में आप बिल्कुल प्लाट फिक्स करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको जो है वो A4 पेज का साइज देंगे, या आपको A4 पेज के साइज में एडजस्ट कर देगा, लेटर साइज देंगे, यानी जो आप इसको साइज बताएंगे उस साइज में ये आपको प्लाट जो है वो सेव करके देगा। इसलिए से बड़ा अच्छा ये चल रहा है। होपफुली हम सारे जो है कंटेंट जो सर ने कहा है वो हम कवर भी करेंगे जी इंशाल्लाह सर, आप ये जस्ट आपके इंशाल्लाह ना, ये जो अभी आपने क्लासेस अटेंड की है ना, ये आपकी मुश्किल तरीन क्लासेस थी, जी। बिल्कुल आगे आपके क्लासेस आसान होते जाएंगे। जी, इंशाल्लाह। ओके थैंक सर, यू सर, ये बड़ा अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा शोएब हाले साहब को। सर अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर शुएब खालिद है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जियोग्राफी जबरदस्त सर, आप डिपार्टमेंट। और मेरा जियोग्राफी में, जी पीएचडी, सर, हाँ जी, मेरी पीएचडी जो है वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, GIS में। और जबरदस्त, बेसिकली आर सीखने का मकसद ये था कि मेरे पास जो मेरा अभी जो काम है वो बिग डेटा के साथ है, और अभी तक तो जो थी ना वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी थी। बिल्कुल जो भी एनालिसिस वगैरह हम करते थे वो GIS में या एक्सेल के अंदर या कुछ और सॉफ्टवेयर के अंदर हम डेटा एनालिसिस करते हैं, लेकिन अब चूंकि डेटा का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे पास, तो उसमें फिर जो सॉफ्टवेयर है ना वो सॉफ्टवेयर जो है वो उस डेटा को रन नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर एक हम GIS में कोई एनालिसिस की बात करते हैं ना, जैसे एक रिग्रेशन है या जियोग्राफिक वेटेड रिग्रेशन है, स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग, उसमें वो क्या करता है कि वो मैक्सिमम 15,000 वैल्यूज को जो है ना वो इनपुट के तौर पे लेता है, लेकिन बिल्कुल हमारी ऐसे जो ही, वैल्यू, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लाखों के अंदर हैं। बिल्कुल वहां पे फिर वो सॉफ्टवेयर है ना वो चूंकि उस मकसद के लिए बने नहीं हुए, तो RGIS में वैसे आर ब्रिज एक उसकी एक्सटेंशन है, तो अभी मैं इसको सीख रहा हूँ कि आर के साथ जो है ना इसमें काम करते हुए RGIS के साथ किस तरह उसको ब्रिज करके तो डेटा एनालिसिस का बिल्कुल। काम किस तरह। आजकल जो है ना वो कुछ और टूल्स में भी, जैसे एक्सेल स्टैट है, उन्होंने भी आर का टच इसको दे दिया हुआ है अपने टूल्स जी को। जी तो
मे बी एस टी जी एस एस ने भी कोई इस तरह का जो है वो उठा लिया हो कदम, लेकिन बहुत सारे टूल जो हैं वो अब इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, पाइथन को इंटीग्रेशन या उसका कोई टूल जो है वो उसमें ऐड कर रहे हैं। बेसिकली वो बैकअप पे पाइथन या आर ही वर्क करेगा, लेकिन वो फ्रेमवर्क आप जो है ना वो GIS का यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, कोडिंग वहाँ जी पे जो है वो आर या पाइथन की ही होगी। इसमें थोड़ी सी जरा ये इंडिपेंडेंस हो जाती है कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ना वो रिलाई नहीं करते बिल्कुल इसमें, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो लिहाजा इसमें आप अपनी मर्जी से जो है ना वो फ्रीली किसी भी किस्म का डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं, जितना मर्जी वॉल्यूम हो। और उसके अलावा इसकी जो ये है विजुअलाइजेशन है ये बहुत कमाल की है, ऐसे जैसे मैप की विजुअलाइजेशन करनी है या वैसे डेटा की विजुअलाइजेशन करनी है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल वो हम पहले तो करते हैं लेकिन उसमें ये है कि हम एक्सेल को GIS को या किसी और ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए ना तो उनको फिर कह लें कि जोड़ तोड़ करके विजुअलाइजेशन करते हैं, जो कि आर के अंदर तो वो मतलब ऑल एट वंस हो जाती है। बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ होती है आपके जी पास। ओके तो ट्रेनिंग से आप सेटिस्फाइड हैं? ट्रेनिंग से मैं हाँ सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मसला ये है कि जो कोड्स है ना कोड्स को जरा याद रखना थोड़ा सा जरा सर ये मुश्किल आपको याद नहीं करना पड़ेंगे, मैं इसलिए ये आपको याद नहीं करवा रहा। है। मैं उसको जरा वो ChatGPT से भी उसका जो है ना वो अभी ये मैं सिर्फ उसको रीड आपने आपने सिर्फ इसकी रीडिंग सीखनी है, राइटिंग सीखनी है, हाँ जी मैं रीडिंग ही कोई उसकी सीख कोड रहा हूँ। आपने याद नहीं करना। जी ठीक है ठीक ठीक है, है ये हम सर AI टूल्स इसी को इन्वॉल्व करके, जैसे ChatGPT का आपने जिक्र किया ना, ये इसकी दीजिए आप एग्जाम्पल। तो, हाँ हाँ ये आपके जी लिए बहुत स्टैटिक आसान हो चुका सी है, एस यानी वो काम जो आप GIS पे 4-5 घंटे लगा के करेंगे ना, जी जी उसको सर खपाएंगे, अब आपकी जी जगह वो ChatGPT आपका सर खपाएगा अपना। आपने सिर्फ हुक्म देना है उसको कि मुझे ये चीज़ करके दो, लेकिन आपको उससे पहले आनी चाहिए कि ये मुझे चीज़ उसने हाँ जी करके दी मैं है। देखें जैसे आप कहते हैं ना ChatGPT को कि मुझे चाइनीज़ में एक एप्लीकेशन राइट करके दे दो, वो तो आपको राइट करके दे जी देगा, लेकिन अब आपको चाइनीज़ जी नहीं बिल्कुल आती तो आपको पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन के अंदर लिखा क्या हुआ है, जी। तो वो वो इसी तरह एप्ली से हमारे ना जी सर RGS में कुछ एनालिसिस के ना वो कुछ जो है स्क्रिप्ट्स होते हैं तो उनको बेसिकली मॉडिफाई करना, मसलन वो तो सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने बने हैं और वो लिमिटेड डेटा के लिए काम करते हैं, बिल्कुल तो मैं उसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके अपनी थोड़ी सी अगर उसके अंदर थोड़ा इनोवेशन लेके आया जाए तो उसके लिए जो है ना वो फिर ये आर जो है ये इसको मैं सीख रहा हूँ। मेरा भी जरूर वैसे प्रोग्राम है इसके आर के बाद जो है ना वो पाइथन को लर्न करने का, बिकॉज हमारा जो मेन काम है GIS का वो पाइथन के साथ है। हाँ, पाइथन पे बड़ी अच्छी इसकी विजुअलाइजेशन है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मेरे पास सेकंड बैच वालों ने जो है ना वो GIS पे थोड़ा सा काम किया, छोटा सा टच है मैपिंग का ना, ज़्यादा वर्क नहीं मैंने शो किया हुआ GIS का, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो उनको जियोग्राफी से नहीं होते या साइंस के जी होते हैं या किसी और फील्ड के ना। जी नहीं इसमें अभी बहुत सारा काम है, अभी जैसे ये सैटेलाइट इमेजरी का जो है ना वो एनालिसिस बिल्कुल करना है तो गूगल अर्थ इंजन है, तो बिल्कुल गूगल अर्थ इंजन के हाँ ऊपर जो है ना वो सारा, लेकिन वो यूज करता है उसको क्या नाम है उसका उसका कोड उसकी लैंग्वेज कौन सी है जेन में नहीं आ रहा उसकी लैंग्वेज, किस चीज़ के लिए? गूगल अर्थ इंजन जो है वो भी इन इसमें हो जाता है आर के अंदर ना, आर में भी हो जाता है जी पाइथन जी में भी हो जाता है। अब ये देखिए ये उन्होंने जी ना प्लॉट वगैरह पाइथन में क्रिएट किया है और जस्ट कुछ ही मिनटों में ये क्रिएट हो गए, अगर आप ये GIS पे ये क्रिएट करें तो आपको बहुत टाइम जो है वो लगता है। जी एक छोटा सा एक समझें कि टच है जस्ट, कि मैप अगर किसी पार्टिसिपेंट ने अपना कोई एरिया डिफाइन किया हुआ है तो उसको अपने प्रेजेंटेशन में शो करना चाह रहे हैं तो उस एरिया का वो मैप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसमें पाइथन में विजुअलाइजेशन आर से भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा मैडम शाजिया साकिब हैं,
मैडम माइक ओपन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नौशाजिया साकिब हूँ। मैंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं ये सारा आर से डाटा एनालिसिस सीख सकूं, क्योंकि ये ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू SPSS। उसमें रिजल्ट थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं एवरी टाइम आई कैलकुलेट, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बिल्कुल, एक्चुअली इसीलिए ये उसमें सीखने में। अगर हम वो उसका यूज़ करें ना, क्रैक वर्जन, फिर उसमें इश्यूज आते हैं। शायद इसलिए बस हाँ वो यूनिवर्सिटी से जो मिला हुआ है उसी से कर रही हूँ। बिल्कुल, तो मुझे आज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई है, वो इसलिए कि मुझे लगता है कि मेरे बीच में से कुछ लेक्चर्स जो है ना, मैंने एक दो लेक्चर्स तो किए थे, मैंने लेट ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो दो लेक्चर्स तो मैंने कर लिए थे। द थर्ड वन आई थिंक जो वो मिस हुआ, कोई बीच में मिसिंग जरूर है जो मुझे आज के लेक्चर की समझ नहीं आ रही समझ थी। नहीं आई, आप चेक कर लें, जो मिस है वो मुझे बताएं, बल्कि मैं आपको ना एक और चीज़ गाइड कर देता हूँ। आप मुझे, आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं और बड़े क्लियर होते हैं, अगर आप ये मुझे चारों के लिंक भेज देंगे ना देन आई विल गेट। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपके साथ? आप ये गूगल का हो रहा है कुछ? गूगल, ये ना मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर यूट्यूब पे आएँ तो वो मुझे आपका चैनल बना हुआ है उसको मुझे पता है। वो मैं आपको समझाता हूँ ना, कहाँ से आपने वो अपने जो है वो क्लासेस की वीडियोस आपकी कहाँ पड़ी हुई हैं। अब अगर आप प्लेलिस्ट पे आए ना, ये प्लेलिस्ट है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे बैचेज हैं ना, ये तमाम बैचेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपका बैच 50 है, ठीक ठीक है? है, ठीक आपने बैच 50 पे क्लिक करना, बैच 50 में 5 वीडियोस अवेलेबल हैं, है। वन इसमें टू थ्री मैंने फोर फाइव जो इससे एक पिछली वीडियो गई है ना, उसकी मुझे वो उसकी आवाज नहीं थी बिल्कुल भी, ये जो वो है मैं बैच उसको प्रॉपरली अटेंड नहीं कर सकती थी। ये इससे पिछली वाली जो कल की कल की क्लास, एक उसके, मिनट, हाँ उसमें इनकी वो वॉल्यूम कम बिल्कुल था, वॉल्यूम था ही नहीं। एक मिनट मुझे चेक करने दें इसमें। मैडम आवाज़ तो ठीक है इसमें, फुल है। है इसमें आवाज? अच्छा मैं दोबारा चेक आप इसको करूंगी। दोबारा चेक करें, मैं भी आपके पास जो है ना वो हेडफोन में स्लो हुई हो, यहाँ पर तो बिल्कुल फुल आ रही है आवाज़। ये हाँ जी बिल्कुल, ये हेडफोन की वजह से भी हो सकती है। आप एक दफ़ा इसको देखें, इसमें फुल आ रही है। ठीक है, ठीक है, मैं तो इंशाल्लाह चेक कर ओके, तो लूंगी। इंट्रोडक्शन आपने करवाया नहीं अपना? अच्छा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अलावा इकबाल मेडिकल कॉलेज में गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स की, एंड मैंने बहुत सारी रिसर्चेस भी की हुई है, जो कि एक इंटरनेशनल रिसर्च भी है मेरी, जो कि दुनिया में ऑलमोस्ट इट इज ए न्यू प्रोसीजर और न्यू इन्वेंशन है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आपको अभी तक क्लियर है, जस्ट एक वीडियो आपकी जी जी मिस है। बिल्कुल, ओके आपका हाँ मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ जरूर मिसिंग है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम से सारा कुछ बदल गया और सारा कुछ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। चेंज हो बहरहाल गया। चलें, आप देखें इसको, मे भी जो आपकी मिसिंग वीडियो है वो देख लें, अदरवाइज़ अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही तो डे टाइम जो है मैं फ्री होता हूँ, ये आप देखिए मुझे। ना, अब बिल्कुल ये 5 वीडियोस हो गई हुई हैं, तो मैंने मेरे ख्याल में 4 देखी हुई हैं, और इससे देखें, मतलब फिर मैं एक बीच में से मिसिंग भी मिसिंग है, है। और ये कल वाली की भी मुझे आवाज नहीं थी आ रही, इससे भी वो जो है ना, यानी 2 मिस हो गई, तो इस वजह से। मैं ठीक, बहरहाल आप इस पे जो है ना वो देख लें, दोबारा प्रैक्टिस कर लें, और अगर नहीं इंशाल्लाह समझ आ रही बिल्कुल तो आप डे टाइम जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। सर, कल होगी क्लास, जी कल होगी, ये कल थर्सडे तक है। 14th हाँ था। चल बिल्कुल ठीक है, थर्सडे, कल मैं मॉर्निंग में पहुंचूंगी ड्रेस को। बिल्कुल ओके, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया मैडम। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो नेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे, जी जी प्लाट पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कल अगेन हमारी कोड को रीड करने की और राइट करने की प्रैक्टिस होगी। चल अल्लाह हाफिज़।